इधर उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 65 स्टार्टअप समेत 450 यंग एंटरप्रेन्योर शामिल हुए। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री राजवर्धन दत्तीगाम, सांसद अनिल फिरोजिया, इंदौर कमिश्नर हरि नारायण चारी भी मौजूद रहे। मौके पर युवा बिजनेसमैन से पंसल न्यूज ने खास मुलाकात की और उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ कठिनाइयों पर भी चर्चा की है। आज हमारे साथ एक उद्यमी हैं, वो भी युवा, जो यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए। और उज्जैन महाकाल की नगरी में युवा जो समिट हुई थी, उसमें कई प्रस्ताव भी आए कि युवाओं आखिर किस प्रकार अपना उद्योग लगा सकते हैं। हमारे साथ इस समय 40 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर करते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। प्रफुल्ल जी हैं, जो चाय की दुकान के हिसाब से पूरा उद्योग लगाया है। सर, किस प्रकार अपने प्रेरणा स्रोत बने हैं आपसे युवाओं के लिए? भैया, उज्जैन की धरती के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। अब मैंने एक ठेले से शुरुआत करी, कॉलेज डिग्री शासन प्रशासन के भरोसे ना रहते हुए खुद की पहचान बनाई। 140 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, उनके पास पहचान पत्र है पर खुद की पहचान नहीं है। तो मैं सबको बोलूँगा, उज्जैन के लोगों को, खासकर युवाओं को, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ, टैक्स भरो, GST भरो, लोगों को रोज़गार दो और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो। कोलैबोरेशन की भावना रखो, कंपटीशन मत करो, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो आपके को-फाउंडर बन सके, आप उनको नौकरी दे सको, कोई व्यापार आप साथ में खड़ा कर सको। तो दोस्तों को सिर्फ तालीमार दोस्तों तक सीमित ना रखते हुए कैसे उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको आती होगी, कोई किसी और को आती हो, तो कैसे कोलैबोरेट करके मिल के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट का फ़ायदा उठाओ, डिजिटल दुनिया है, दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ देश है भारत। पूरी दुनिया जूझ रही है अपने व्यक्तिगत लड़ाइयों से, पर भारत एक स्वीट स्पॉट बना हुआ है। 120 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है, 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। हर दिन डिजिटल डेमोक्रेसी और डिजिटल इंडिया की बात होती है। UPI के ट्रांजेक्शन बिलियंस में जा रहे हैं, GST कलेक्शन हाइस्ट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमारा गौरवान्वित पल चल रहा है भारत का, और खासकर अगर आप युवा हो तो मेहनत करो, आगे बढ़ो और इस देश को भी आगे बढ़ाओ। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि सबसे छोटा बिजनेस है चाय का, और चाय का बिजनेस करेंगे तो हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे, समाज एग्री नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने उदाहरण पेश किया है, उसके लिए युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई धंधा छोटा नहीं होता है, और शर्म किसकी? आपके घर, आपको पैसा कमाना है, आपको रोजगार देना है, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपके हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। और कई सालों तक रिसर्च करना और इतना दिमाग और ये सब लगाने से अच्छा है कोई एक छोटी चीज़ चालू करके उस पर रिसर्च करके उसको दिमाग लगाओ, तो उसको धंधा बढ़ सकता है। ज़्यादा किसी के भरोसे मत बैठो, और ऐसा मत सोचो कि रातों रात कुछ हो जाएगा। छोटा चालू करो, अभी चालू करो, और कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बहुत अच्छी बात बोली, और ये प्रफुल्ल जी का एक अस्तित्व है, क्योंकि जिस प्रकार इनका जो टर्न हुआ है, वैसे ही युवाओं को प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, और युवाओं को इन्होंने प्रेरणा दी है कि काम छोटा नहीं होता है, अगर आपके मन में लगन है तो काम कोई सा भी हो उससे आप उन्नति करते जाएंगे, और युवाओं को रोजगार प्रेरित करने का ही सबसे बड़ा इनका लक्ष्य है। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।